जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, देश के आर्मी जवानों की तरफ से दुखद खबर सामने। लेह लद्दाख से निकलकर आ रहे हैं। लेह लद्दाख में सेना का वाहन शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेना का वाहन गहरी खाई में जा गिरी, जहां पर सेना का 9 जवान शहीद हो गए हैं और वही एक जवान गंभीर रूप से घायल है। घायल जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बताते चले कि सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 9 जवान शहीद हुए हैं। उन्हीं में से एक हरियाणा का पलवल जिले के रहने वाले मोनू शर्मा के रूप में जानकारी मिली है। मोनू शर्मा बताया जा रहा है कि शनिवार को देर शाम अपने साथियों के साथ पेट्रोलिंग के लिए जा रहे थे, वही इनके गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जहां पर यह जवान देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। शहादत की सूचना जैसे ही फोन करके अधिकारियों ने इनके परिजनों को दिए तो पूरे घर पर मातम पसरा हुआ है। पूरे क्षेत्र इलाके में गमगीन का माहौल बन चुका है। बताया जा रहा है कि यह जवान बीते कई वर्षों से लगातार देश की सेवा देते आ रहे थे, लेकिन दुख की बात यह है कि यह जवान शनिवार को देर शाम एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहां पर अपने 9 साथियों के साथ यह जवान शहीद हो गए। शहीद में से बताया जा रहा है कि 8 जवान थे और वही एक जेसीओ थे। आपको बताते चले कि यह जवान मूल रूप से हरियाणा के पलवल जिले के हथीन विधानसभा क्षेत्र के बहिन गाँव का रहने वाले थे और यह जवान देश की रक्षा करते हुए बीते दिन लद्दाख में शहीद हो गए हैं। शहादत से पूरे क्षेत्र इलाके में गमगीन का माहौल बन चुका है। कल शहीद जवान के पार्थिव शरीर सेना के विशेष वाहन से पैतृक गांव पर लाया जाएगा, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वाकई में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर होते हैं। अगर शहीद जवान मोनू शर्मा के लिए आप लोग को जरा सा रिस्पेक्ट हुआ तो कमेंट में जय जरूर लिखना। मैं भगवान से विनती प्रार्थना करता हूँ, शहीद जवान मोनू शर्मा का आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन की सहन शक्ति दे। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शहीद जवान के अंतिम यात्रा में हजारों दस हजारों जनसैलाब उमड़े और सभी नम आंखों से विनम्र भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे।